यूट्यूब है या लाइक पे? यूट्यूब पर देना हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ किसान भाइयों नमस्कार, आप जो ये बगीचा देख रहे हैं ये जिला नीमच तहसील मानसा और ये गोटा का पिपलिया, ये किसान है राजू भाई धनगर। ये देखिए पपीते, ये पपीते अप्रैल ये पपीते लगाए थे, कब लगाए थे ये? 15 मार्च को लगाए थे। अब अभी इनका पपीते क्या भाव बिक रहे हैं? अभी 20-22 रुपये बिक रहे हैं और 7-8 क्विंटल निकल गया माल। और अब देखिए आप देख सकते हैं बगीचे को, इतना प्रोडक्शन और इतना देखो आप कितने पपीते लग रहे हैं। और भी बताऊँ मैं आपको, आप देखिए एक से एक बढ़कर पौधे हैं। और मैं जो भी किसान मेरे पास आता है तो ये समझो कि मैं उसको किस टाइम में लगाना ये पपीते है। और खेत तैयारी से लेकर के हर माह 7 महीने तक, क्योंकि ये 3 महीना, ये अपना 8 महीना का झाड़ हो गया है, 3 महीने में फ्लावरिंग चालू हो गई है और अभी फल टूट रहा है। और मात्र ये 12 महीने का पौधा पूरी फसल लेके खत्म हो जाएगा। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि पौधे समय पे लगाएं और इसमें अंतर्वर्ती में, जैसे अंतर्वर्ती में ये अमरूद लगा रखे हैं, ये अमरूद लगा रखे, देखिए ये अमरूद और ये पपीते हैं। तो और भी आप जैसे अंतर्वर्ती में पपीते के साथ में तरबूज खरबूज जो भी लेसन लेना चाहते हैं तो 70 रोज में खेत खाली हो जाएगा। आपको 75,000 लाख रुपये इसी खेत, वही खाद वही पानी साथ में अतिरिक्त आमदनी देगा। और हमारे वैज्ञानिक भी यही बताते हैं कि अंतर्वर्ती, आप जो आज अपन जैसे गेहूँ चना मक्का सोयाबीन ले रहे हैं तो उन किसानों को लागत भी नहीं मिल रही। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ किसानों से कि कल पपीते लगाएं, संतरे लगाएं, अमरूद लगाएं, इनके साथ में अंतर फसल लें, अंतर्वर्ती फसल, तो डबल लाभ होगा। ये साल भर में पपीता रहेगा और जो ये अंतर्वर्ती में आप एग्जाम्पल 20 साल तक रहेगा। और इसके अंदर जो अपन जो भी फसल लेंगे जैसे खीरा है तरबूज वगैरह तो अच्छी फसल लेगा। मैं ये पपीते की खेती करीब सन 1985 से कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। और मेरे द्वारा जो किसान जो पौधे लगा रहे हैं उनको बता रहा भी रहा हूँ, सारी जानकारी बता रहा हूँ। और हमने जो 2012 में 2014-15 में हमारी बगीचे पर एक किसान संगोष्ठी करवाई थी, हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक सीपी पचौरी जी, वरिष्ठ डॉक्टर साहब श्याम सिंह जी और आरआर पैडदार, उनको आमंत्रित किया था और अन्य ढेरों किसान भी आए थे, वहाँ ढेरों जानकारी दी और किसानों ने लाभ भी लिया। और 2006 में हमने जिला चित्तौड़ के साड़ास गांव, जैसे बस्सी के पास में साड़ा, वहाँ के किसान रूपा खेड़ा धनजी धाकड़, और हमने जो उनमें भी अच्छी मेहनत की तो हमने एक किसान संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा, उस किसान को हमने 21,000 से सम्मानित किया। अगले सत्र 2020 में जो भी किसान पपीते लगाएंगे टाइम से और जो अच्छी मेहनत करेंगे तो नवंबर और दिसंबर में किसान संगोष्ठी करवाएंगे, उसमें उस किसान को 21,000 से सम्मानित करेंगे। किसान भाइयों जय हिंद, बस इतना ही कहना है।